अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे अवर लेसन इज़ क्लास 9th, यूनिट नंबर 3, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि मीडिया और इसके असर। इसकी आज हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर। मिस आयशा पसंदीदा उस्तानी थी ऑफ क्लास 9th क्लास, नौवीं जमात की। द स्टूडेंट्स तलबात ईगरली अटेंड, खुशी से या बेताबी से अटेंड करते थे या मौजूद होते थे हर क्लास उनकी जमात में। मिस आयशा तमाम स्टूडेंट्स की या क्लास 9th की एक पसंदीदा टीचर थी और पूरी जमात ही उनका पीरियड या उनकी क्लास को खुशी खुशी से अटेंड करती थी या खुशी से हाजिर होती थी। मिस आयशा एंटर्स, मिस आयशा दाखिल होती हैं द क्लासरूम, क्लासरूम में विद हर यूजुअल स्माइल, उनकी मामूल की मुस्कुराहट के साथ। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल, मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ क्लास में दाखिल होती हैं। ग्रीक्स द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को सलाम करती हैं, तलबात को सलाम करती हैं एंड टेक्स द रोल कॉल और हाजिरी लगाती हैं। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे, ये उनका ट्यूटोरियल डे था। ट्यूटोरियल का मतलब होता है कि क्लास में एक दिन जो टीचर रखती है बहस मुबासे के लिए, यानी कि एक कंजर्वेशन होती है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, जिसमें वो पूरे वीक में पढ़ाया गया जो सबक होता है उसके बारे में स्टूडेंट्स की राय लेते हैं। द स्टूडेंट्स आर ऑल एग्रीड अप, तमाम स्टूडेंट्स को पता था कि इस बारे में, दे नो, ये वो जानते थे व्हाट इज़ अबाउट, के क्या होने वाला है। टू कम एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, वो इस सब के लिए तैयार थे। आज उनका ट्यूटोरियल डे था और तमाम स्टूडेंट्स के लिए तैयार थे, उनको वो जानते थे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो वो सब इसके लिए तैयारी करके आए थे। शैल वी स्टार्ट, क्या हम स्टार्ट करें या शुरू करें। शी आस्क्ड पोलाइटली, इन्होंने नरमी से कहा। यस, जी हाँ, द स्टूडेंट्स नॉट, स्टूडेंट्स ने, तलबात ने जवाब दिया। टीचर उस्तानी, ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं। द टॉपिक उनवान ऑफ टूडेज डिस्कशन, आज की बहस मुबासे का, इज़ द रोल ऑफ मीडिया इन इट्स इम्पैक्ट, वो है मीडिया के असरात और उसका किरदार। तो जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है उसका अनवान है, जिसके बारे में डिस्कशन या बहस मुबासा होगा, उसका अनवान मीडिया और उसके असरात हैं। टू स्टार्ट, शुरू आगाज़ करते हैं। लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे ये बताने दें वाजह तौर पर, द मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल, मीडिया बहुत ताकतवर है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, रबते के ज़राए में। इट शेयर्स न्यूज़, ये खबर आसानी करता है, इंफॉर्मेशन और मालूम विद द पीपल, लोगों के साथ। समटाइम्स बाज़त मीडिया सेपरेट्स, मीडिया फैलाता है फॉल्स न्यूज़, बुरी खबरें या गलत खबरें, बट जनरली, लेकिन आम तौर पर इट इन्फॉर्म्स अस, ये हमें मुतला करता है या मालूमात फ्राहम करता है अबाउट द फैक्ट्स, हकीकत के बारे में, अराउंड अस, जो कि हमारे इर्द गिर्द हैं। सबसे पहले मुझे बताने दें या वाजह तौर पर ये क्लियर करने दें कि मीडिया एक ताकतवर खबर रसान है, ये लोगों के साथ मालूमात और ख़बरें शेयर करता है, यानी कि उनको फ्राहम करता है। कभी कभार मीडिया गलत खबरें भी फैलाता है, लेकिन आम तौर पर ये हमें हकीकत के साथ आगाह करता है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। डू यू एग्री, क्या आप मुतफक्का हैं या इतफाक करते हैं। स्टूडेंट्स तलबात, यस वी डू, जी हाँ हम इतफाक करते हैं। स्टूडेंट नंबर 1, आई वुड लाइक टू ऐड अ बाइट मोर टू इट, मैं इसके बारे में कुछ वाजिया करना चाहूँगी या बताना चाहूँगी। टीचर उस्तानी, यस श्योर, हाँ यकीनन। स्टूडेंट नंबर 1, पहले तलबा, मीडिया हेल्प्स पीपल, मीडिया लोगों की मदद करता है टू शेयर नॉलेज, इलम को फैलाने में या शेयर करने में ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। मीडिया लोगों को जिस दुनिया में वो रहते हैं उसकी जानकारी या इलम को शेयर करने का मौका देता है। देयर फीलिंग्स, उनके एहसास, दी ओपिनियंस, उनके राय, आर एक्सप्रेस थ्रू इट, इसके ज़रिए फैलाए जाते हैं या फैल जाते हैं पूरी दुनिया में। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन, मीडिया ने तवज्जो हासिल कर ली है ऑफ एवरी लार्ज ऑडियंस, बहुत से लोगों की या बहुत से देखने वालों की। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने कभी नोटिस किया, दैट द फर्स्ट थिंग, की पहली चीज़ वी डू, हम करते हैं, सून आफ्टर एंट्रिंग द हाउस, अपने घर में दाखिल होते ही,
इसके बाद स्विच ऑन द टेलीविजन, वो है टेलीविजन का स्विच ऑन करना या टेलीविजन को चलाना। यानी कि आपने ये बात नोटिस की होगी कि हम घर में दाखिल होते हैं जो हम पहला काम करते हैं वो है टेलीविजन का स्विच ऑन करना या टीवी को चला देना। टीचर उस्तानी देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। स्टूडेंट नंबर टू, दूसरे नंबर की तलबा, लेट मी से, मुझे कहने दो, द मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये ना सिर्फ हमें मालूमात देता है, बट ऑल्सो एंटरटेन अस, बल्कि हमें तफरीह भी मुहैया करता है। टीचर उस्तानी एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक। वेल ठीक है, डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या आइडिया है अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रबते के दो बड़े ज़राए के बारे में। स्टूडेंट नंबर थ्री, तीसरी स्टूडेंट या तलबा, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ रबते के दो बड़े ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया और प्रिंट मीडिया। दे इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, इसमें शामिल हैं फिल्में, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, किताबें, मैगजीन और अखबारात। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन, ये हमें मालूमात फ्राहम करता है, एज़ वेल एज़ इसके साथ साथ इंटरटेनमेंट, तफरी भी। टीचर उस्तानी गुड, अच्छा, इट इज़ थ्रू मीडिया, ये मीडिया ही के जरिए है, दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, के दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मीडिया हमें दिखाता है दुनिया के तमाम अहम वाक़ात का ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पे वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस, हमें बहुत आसानी से रसाई हासिल हो चुकी है टू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया, हर किस्म की मालूमात पे इस मीडिया के ज़रिए। स्टूडेंट नंबर फोर, चौथी स्टूडेंट या तलबा, कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं, दैट द वर्ल्ड इज़ की दुनिया है जस्ट अ क्लिक अवे, एक क्लिक के फासले पर, क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया क्लिक के फासले पर है। टीचर उस्तानी में भी जी कह सकते हैं, वेल जैसा कि वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग, क्या कोई भी और तलबा कुछ कहना चाहता है। मिस आयशा पॉइंट्स द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड, मिस आयशा ने उन लोगों को कहा जो लास्ट पे बैठे थे। स्टूडेंट नंबर फाइव, पाँचवीं तलबा, मैडम इन माई ओपिनियन, मेरी राय है, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर दी सोसाइटी, मीडिया माशरे में एक तमीरी किरदार अदा कर रहा है। इट रेजेज अवेयरनेस, वह हमारी आगाही को बढ़ाता है अबाउट मैनी सोशल इशूज, बहुत से माशरती मसाइल के बारे में, लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ वुमन राइट्स, जैसा कि रिश्वतखोरी, दहशतगर्दी, मनशियात का प्रोफ होना और वुमन राइट्स यानी कि इंसानी हकूक की तबाही। टीचर उस्तानी, यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक हो। स्टूडेंट नंबर सिक्स, छठी तलबा, मीडिया हैज़ आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ अ डाउन टॉर्डन, मीडिया सतम रसीदा यानी कि मजलूम लोगों की तरफ से बोलने वाला भी बन चुका है। टीचर उस्तानी, यस जी हाँ, वेल सेड, बिल्कुल ठीक कहा, इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये कहना गलत नहीं होगा, टू से दैट मीडिया, के मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट, एक बहुत ही चौकन्ना अदारा है, दैट कीप्स एन आई, जो नज़र रखता है ऑन एवरी सेगमेंट, हर हिस्से पर ऑफ द सोसाइटी, माशरे के, थ्रू जरिए डेप्थ मुबासे, रिपोर्ट, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज और टॉक शोज, इट मेक्स, ये बनाता है एवरी वन अवेयरेबल, के हर कोई आगा रहे एंड अकाउंटेबल और जानता रहे। That is why, इसीलिए media has become, media बन चुका है an integral part of our life, एक बहुत ही ज़रूरी या लाजमी हिस्सा हमारी ज़िंदगी का। Now अब I would invite, मैं बुलाना चाहूँगी या invite करूँगी one of you, आप में से किसी एक को, to sum up discussion, को इस बहस को खात्मा करिए, बहस को समेट लें। स्टूडेंट वन, पहली तलबा, आई वुड कंक्लूड, मैं इस बात का नतीजा निकाला है द डिस्कशन बाजे से बाय सेइंग, जो कहा गया या बातें हुई, दैट मीडिया, के मीडिया कैन प्ले, अदा करता है अ पॉजिटिव रोल, एक मिसबत किरदार एंड हैज़ करेक्टिव
करेक्टिव इम्पैक्ट और एक मिसबत हिस्सा इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर एक ये जिम्मेदारी के साथ काम करे। मैं बहस का खात्मा ये कहते हुए करूँगी कि मीडिया हमारी ज़िंदगी में एक मिसबत किरदार अदा करता है, अगर ये ईमानदारी से काम करे तो ये इसलाह कुन असरात बन सकता है। टीचर उस्ताद ने गुड कंक्लूजन, एक अच्छा नतीजा है। आई एम हैप्पी, मुझे खुशी है दैट ऑल ऑफ यू के आप सब ने हैव पार्टिसिपेटेड, हिस्सा लिया इन दिस डिस्कशन, इस मुबासे में, एंड हैव एक्सप्रेस्ड और बयान किया योर सेल्फ अपने खुद को वेरी वेल, बहुत अच्छे से। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय। मिस आयशा क्लास को अल्लाह हाफिज़ कहती हैं, कि क्लास को एंड लीव्स और पीरियड छोड़ जाती हैं या कमरा जमात छोड़ जाती हैं। ये था जी हमारा आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।